हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एनसीसी डे, जो कि मनाया जाता है 4th Sunday ऑफ नवंबर। सो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लगभग सभी एनसीसी कैडेट्स आ चुके हैं और हम सब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की तैयारी। सबसे पहले हम टीचर्स को लेके आएंगे ऑफिस से। आभार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड ऑस्पिशियस डे दैट ब्रिंग्स टुगेदर सो मेनी स्पेशल पीपल लाइक यू। आई एम कैडेट तान्या एंड आई कैडेट अंजलि एंड टुडे वी हैव द प्लेजर ऑफ बीइंग योर होस्ट फॉर टुडेज फंक्शन। एज यू ऑल नो दैट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग एनसीसी डे, ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डे। नीता मैम एंड अनीता मैम बाय प्रीति एंड संगीता। और फिर गणेश जी का नाम लेके प्रोग्राम स्टार्ट किया गया विद अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। कोई घना सा शुभ चिंतक बना तो टोक दो, कोई घना सा शुभ चिंतक बना तो टोक दो, गलत बात अरकत बनन का पहले रोक दो। तम फर्क जान लो बहकावे और अपनेपन में, तम फर्क जान लो बहकावे। ने दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा,
अगले दिन 4:30 उठा दिया, सर्दी में गर्म कंबल और रजाई से सारा आलस छुटा दिया। रोज सुबह दरवाजे पर खटकर मानो हमें तो सूली पर चढ़ा दिया। सुबह उठना, फिर रनिंग, फिर पीटी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर ड्रिल, फिर वेपन ट्रेनिंग की क्लासेस, हेल्थ एंड हाइजीन की क्लासेस, मैप रीडिंग की क्लासेस, उसके बाद लंच का टाइम, फिर फॉलोइंग, फिर डिनर, और दिन की भाग दौड़ के बाद 9 बजे सोने का टाइम होता और जूतों के गंदे हमारा पूरा कमरा सड़ा दिया। वो दिन भी याद रहेंगे। चलो खैर, ये सब तो थी मजाक की बातें, पर आखिर में हमने वहाँ क्या सीखा वो मैं बताती हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, खुद में उसको कैसे ढालना है, चीज़ें कम हो तो उसमें कैसे काम चलाना है, ऐसे बहुत से कैडेट थे जिनके साथ हम नहीं बना पाते, जिनके साथ हम इरिटेट होते हैं, लेकिन सबको इग्नोर करके कैसे सबके साथ मैनेज करना है, कैसे अपने से पहले बाकियों का ध्यान रखना है, कैसे चीज़ों को शेयर करना है, और सबसे मेन बात यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन में रहना है। हम सब भूल गए जब हमें मेडल से सम्मानित किया गया। जितने भी प्रॉब्लम्स हमें हुई वो सब हम भूल गए जब हमें मेडल से सम्मानित किया गया। दिन के ख़त्म होते ही हमारी ANO मैम का रूम में आकर हालचाल पूछना, किसी भी चीज़ की कमी महसूस न होने दी। ओपन थिएटर में लेक्चर्स होते थे जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज किया। हमें सिखाया गया कि लाइफ में हार्डवर्क ज़रूरी नहीं होता, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। दिस वॉज द एक्सपीरियंस फेस्ड बाय मी। थैंक यू सो मच। एंड देन लास्ट में हम सब ने केक कटिंग करी, एंड देन हम सबको सर्टिफिकेट्स मिले। ये वीडियो बस यहीं तक। सो बाय बाय गाइज़।